आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंडियन टॉप 10 हैकर्स के बारे में। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। नंबर 1 पे जो हैकर है उनका नाम है राजेश बाबू। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मोस्ट डेंजरस हैकर ग्रुप ब्लैक हैकर के मेंबर भी रह चुके हैं। अभी के समय में राजेश बाबू एक इंडियन एथिकल हैकर है। इनके पास खुद की एक अपनी कंपनी है। नंबर 2 फाल्गुन राठौड़। इन्होंने बहुत से साइबर क्राइम केस को सॉल्व करने में सहायता किया है। ये एक यंग हैकर है। इनको इंडिया के टॉप हैकर की लिस्ट में मिलाया गया है सिलिकॉन इंडिया के तरफ से। फाल्गुन राठौड़ ने साइबर सिक्योरिटी को लेकर इंडिया में लोगों के प्रति जागरूकता पैदा किया। तीसरा आता है हमारा संगीत चोपड़ा। ये एक एथिकल हैकर होने के साथ साथ एक पब्लिक स्पीकर भी हैं। ये आईटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं। अभी ये साइबर की और टेक्नोलॉजी pvt.ltd इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट है। नंबर 4 कृष्णीत अरोरा। हरियाणा के रहने वाले कृष्णीत अरोरा बहुत कम एज में ही हैकिंग में बादशाह बन गए थे और इनके पास खुद की कंपनी भी है जिसका नाम है टेक सिक्योरिटी एंड आईटी सिक्योरिटी कंपनी। इन्होंने हैकिंग पर बहुत सी किताबें लिखी हैं। नंबर 5 विवेक रामाचंद्रन। विवेक रामाचंद्रन को हैकिंग में मास्टर माना जाता है। इन्होंने बहुत से पुरस्कार भी जीते हैं जिनमें से मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट और CISCO के द्वारा दिया गया है। ये सिस्टम सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, वायरलेस सिक्योरिटी और कंपनी और कंप्यूटर फोरेंसिक के विषयों में मास्टर माने जाते हैं। पेंटेस्टर एकेडमिक एंड सिक्योरिटी ट्यूब ट्रेनिंग के फाउंडर और CEO है। ये एक अच्छे लेखक भी हैं। इन्होंने हैकिंग के ऊपर किताबें लिखी हैं जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 6 हमारा सनी वघेला। ये टच डिफेंस लैब्स के फाउंडर और CEO है एवं इंडिया साइबर सिक्योरिटी के ब्रांड एम्बेसिडर भी है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े वेबसाइट पर ब्लू फोर्स निकाला। सनी वघेला ने बहुत से हैकिंग क्राइम 20 साल की उम्र से ही सॉल्व करना शुरू कर दिया था। इन्होंने बहुत से हैकिंग के ऊपर लाइव सेशन भी दिया है। नंबर 7 कौशिक दत्ता। कौशिक दत्ता माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़ी कंपनियों में काम किया है। इनको एंड्रॉइड हैकिंग में काफी इंटरेस्ट है। यही कारण है कि ये एंड्रॉइड फोन की हैकिंग करने के साथ साथ फोन को और भी ज्यादा बेहतर और सेफ बना सके ये क्लॉक वर्क मोड के साथ काम करते हैं और इनका यही कंपनी है। नंबर 8 है हमारा प्रणव मिस्त्री। प्रणव मिस्त्री को लोग इनके आविष्कार और सिक्स्थ सेंस टेक्नोलॉजी के कारण भी जानते हैं। ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया आविष्कार भी करते हैं। ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है। इन्होंने बहुत से मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम किया है। प्रणव मिस्त्री ने इनविजिबल कंप्यूटर माउस का भी आविष्कार किया है। नंबर 9 है हमारा राहुल त्यागी। राहुल त्यागी इनको 5 साल का हैकिंग का अनुभव है। कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रेक करने में इनको महारत हासिल है। ये अच्छे लेखक के साथ साथ अच्छे एक्टर भी हैं। इन्होंने 100 से ज्यादा ट्रेनिंग भी दी है हैकिंग के ऊपर। नंबर 10 है हमारा अंकित फादिया। आपको हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आपने अंकित फादिया के बारे में सुना ही होगा। इंडिया का मोस्ट फेमस हैकर में से एक है। इन्होंने टीवी इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि उनको हैकिंग में इंटरेस्ट 12 साल की उम्र में ही हो गया था। ये एक प्रोफेशनल हैकर है। अंकित फादिया एक प्रोफेशनल एथिकल हैकर होने के साथ साथ एक टीवी होस्ट और एक लेखक भी है। यहाँ पे काम की बात यह है कि अंकित फादिया एथिकल हैकिंग कोर्स नहीं किया, उन्होंने हैकिंग के सभी प्रैक्टिकल इन बुक से ही पढ़कर सीखा है। अंकित फादिया की एज 33 साल है। 2018 में उन्होंने हैकिंग के ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे बुक्स लिखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो एक बड़ा सा लाइक दे दीजिए। ऐसा वीडियो मैं हर हफ्ते आपके लिए लाता रहता हूं।